नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त पटना से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। जातीय गणना की रिपोर्ट को लेकर ये सर्वदलीय बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जातीय गणना की रिपोर्ट पर तमाम दलों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करते हुए नजर आएंगे। बैठक में बीजेपी सहित 9 दल शामिल होने वाले हैं। दोपहर 3:30 बजे की बैठक, जिस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो 9 दल हैं बीजेपी के साथ, वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और सभी दलों के नेताओं को आंकड़े के बारे में जानकारी दी जाएगी। कल हुई जातीय गणना की रिपोर्ट को देखिए, जिस तरीके से लेकर कहा गया कि यहां पर कई त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों पर भी संभवतः इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो बिहार में जातीय गणना के आंकड़े कल जारी कर दिए गए और उन आंकड़ों के बाद तमाम राजनीतिक दल इन आंकड़ों को कैसे देखते हैं, उनकी क्या है इस पर राय, इस सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री के साथ आज होने वाली चर्चा में इस पर संभवतः बातचीत की जाएगी। नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े को जारी कर दिया है। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 36% अत्यंत पिछड़ा और 27% पिछड़ा वर्ग, वहीं 19% अनुसूचित जनजाति की संख्या बताई गई है। बिहार में किसकी कितनी आबादी, इस पर लेकर अब तमाम जो जातियां हैं उनके आंकड़े सामने आ चुके हैं। चाहे वो कुर्मी हो, कुशवाहा हो, धानुक हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार, मुसहर, राजपूत, ये तमाम जितनी भी जातियां हैं उन जातियों के आंकड़े को कल सार्वजनिक कर दिया गया। अब उस आंकड़े के सामने आने के बाद उस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। जातीय आंकड़े से आगे क्या होगा, ये सवाल सबके दिमाग में तैर रहा है। कुछ कुछ अंदाजा तो हर एक व्यक्ति को है, लेकिन जिनको समझ नहीं आ रहा वो इन बयानों को सुन ले। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का, और जो दौर है आर्थिक न्याय का, जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी, जितना आबादी उतना, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब ये कि आने वाले दिनों में जातीय गणना के जरिए एक बार फिर बिहार की, या कहें कि पूरे देश में आरक्षण को बढ़ाने की मांग उठेगी और मंडल पार्ट 2 का आगाज होगा। आरजेडी नेता बार बार जोर देकर ये बता रहे हैं कि पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 85% है और उनके लिए काम करने की जरूरत है। आपको हर व्यक्ति को, किसी को इससे आहत नहीं होना है। हर व्यक्ति के लिए जो नीति बनेगी ना, वो आबादी के अनुसार हिस्सेदारी भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी यही सवाल पूछा गया कि क्या जातीय आंकड़े के आधार पर आरक्षण को बढ़ाने की मांग होगी या बढ़ाया जाएगा। इस पर फिलहाल तो नीतीश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुस्कुराकर अपनी मंशा भी जाहिर कर दी। आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाएगा, आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ेगा, कहिएगा वो उचित नहीं है। कल हम सब के सामने जो रिपोर्ट आई है ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा और जो स्थिति है उसके आधार पर जो भी आगे बढ़ाना है, काम करना होगा, तो उसके बारे में राहुल गांधी देंगे। यानी आने वाले दिनों में बिहार की सियासत पिछड़ा और अति पिछड़ा के नाम पर आगे बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। राजनीति जो है एक बार फिर से अब तेज होती हुई नजर आएगी। जातीय गणना के आंकड़े को सार्वजनिक कर दिया गया। सत्ताधारी पार्टियों का अब कहना है कि विकास की जो तमाम योजनाएं हैं उन योजनाओं को बनाने के लिए जातीय गणना जो है वो कराई गई। लेकिन सवाल यहीं से उठता है कि जातीय गणना से सियासत में आखिर फायदा किसको होने वाला है। पिछड़े वर्ग की आबादी कितनी है और जितनी आबादी है उसके अनुपात में उन्हें लाभ मिल रहा है या नहीं, यही जानने के लिए जातीय गणना की कवायद शुरू की गई थी।
अब जबकि जातीय गणना के आंकड़े भी सामने आ गए हैं और ये भी सामने आ गया है कि बिहार में अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी 27.13% है जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01%। दोनों को जोड़ दें तो ये आंकड़ा करीब 63% के करीब पहुंच जाता है। अगर आरक्षण की बात करें तो पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण ही मिलता है, यानी अब बिहार की राजनीति 63% ओबीसी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आएगी, क्योंकि बिहार की दो बड़ी पार्टियां जेडीयू और आरजेडी की राजनीति पिछड़ा वर्ग के ही इर्द गिर्द घूमती रही है। मंडल के दौर में यानी 1989 के बाद से कांग्रेस से ओबीसी वोट बैंक छटकने लगा और हिंदी पट्टी में ओबीसी समाजवादी दलों जनता दल, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू के वोटर बन गए। इसकी बदौलत ही आरजेडी ने 15 साल और नीतीश कुमार ने 15 साल बिहार में शासन किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद ओबीसी वोटर का मूड बदल दिया। सीएचडीएस के सर्वे के मुताबिक 2014 में देश में 30% ओबीसी और करीब 40% अति पिछड़ा वर्ग के वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया था। 2019 में 40% ओबीसी और 43% ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग ने एनडीए को वोट दिया था। नरेंद्र मोदी ने जातियों में बटे हिंदू वोटर्स को एक छतरी के नीचे लाया और जात आधारित क्षेत्रीय दलों का खेल खराब होने लगा। यही वजह है कि बीजेपी के हिंदुत्व के जवाब में जातिगत आरक्षण का कार्ड खेला गया। अगर मोदी का करिश्मा बरकरार रहता है तो जिस उद्देश्य से जातीय गणना कराई गई है उसमें सफल होना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बड़ी खबर इस वक्त एसटीईटी रिजल्ट को लेकर आती हुई, जहां पर आज तमाम अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा क्योंकि आज एसटीईटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बीएसईबी ऑफिस में दोपहर 2:30 का वक्त बताया जा रहा है जब रिजल्ट को जारी किया जाना है। बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर रिजल्ट जारी करने वाले हैं। परीक्षा में कुल 4,28,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। न्यूज 18 ने रिजल्ट की तारीख की सबसे पहले आपको जानकारी दी। बीते 19 सितंबर को आंसर की जारी की गई थी और जिस पर आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि जो थी वो 20 सितंबर थी। अब परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों का इंतजार रिजल्ट आने के साथ ही खत्म होने वाला है। रिजल्ट के साथ ही फाइनल आंसर की भी जारी कर दिया जा सकता है, जो संभावना जाहिर की जा रही है। हालांकि अभ्यर्थी किसी भी तरह की आपत्ति अभी तक दर्ज नहीं कराए हैं।